हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संचित और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सेलर अकाउंट बनाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने amazon.in की वेबसाइट खोली हुई है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होगी, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। नीचे आप जब आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे वर्क विद अमेज़ॉन के नीचे एक सेल का ऑप्शन मिलेगा आपको, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप सेल का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप अमेज़ॉन सर्विसेज के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जब आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए रीडायरेक्ट हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। आपको साइन अप करने के लिए बेसिक आपको अपना नाम, लीगल नेम चूज़ करना होगा जो कि आपका लीगल नेम होगा, और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड चूज़ करके आप जब आप साइन अप करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके आपको फिर से यहाँ पे एक बार अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा जो कि SMS के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको अपनी सैलरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी जो आपके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स डिटेल्स आपको डालनी होगी। थोड़ा टैक्स डिटेल्स के बारे में आपको मैं बता दूँ कि आपको अपना GST नंबर और आपको PAN नंबर डालना होगा। अगर आपने अभी अपना GST नंबर और PAN नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अभी आपको अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक आप अपना GST नंबर और PAN नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक आप अपना अमेज़ॉन सेलर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। तो इन कॉलम्स का क्या 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 इन्फॉर्मेशन डालनी है इन कॉलम्स में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट्स टू सेल में आपको वो प्रोडक्ट्स जो आप सेल करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होगा और उन प्रोडक्ट कैटेगरीज को सेलेक्ट करना होगा जिन जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपके प्रोडक्ट फिट होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे शिपिंग फी डिटेल्स में, आपको अपनी शिपिंग फीस कितनी आप चार्ज करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ एडिट करके वो फिल करनी होगी। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आ जाएंगे। जब भी आप अपनी सेलर अकाउंट बनाने के लिए जब भी आप अपना GST नंबर और PAN नंबर अप्लाई करेंगे तो आप एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी टैक्स डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको अपना PAN नंबर और GST नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए उसके नीचे प्रोडक्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड होगा, वो आपको फिल करना होगा अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से। जो जो आप प्रोडक्ट अपने सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट टैक्स कोड डालना होगा। अगर आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनके अलग अलग प्रोडक्ट टैक्स कोड्स हैं तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल भी प्रोडक्ट टैक्स कोड्स फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट टैक्स कोड्स में, तो जैसे कि एग्जेम्प्ट के लिए 0% है, ज्वेलरी के लिए 3% है, मिनिमम के लिए 0.25% है, पीक के लिए 28% है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे 28% GST लगता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं पीक सेस 12, उस पर 28% के ऊपर आपको 12% एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप पीक सेस 60, उसके ऊपर उसमें आपको 28% के ऊपर 60% और लगेगा। उसके बाद आता है रिड्यूस्ड, उसमें आपको 12% लगेगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड जो मोस्टली हर प्रोडक्ट पे लगता है जो कि 18%। उसके बाद आता है सुपर रिड्यूस्ड जो कि है 5%। तो ये जब आप अपना प्रोडक्ट टैक्स कोड यहाँ पर डाल देंगे जो आपकी मोस्टली प्रोडक्ट्स का होगा
उसको डालने के बाद क्या सेव कर देंगे तो आपका वो प्रोडक्ट टैक्स कोड जो भी है वो फिक्स हो जाएगा, और जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो उस पर ये एडिशनल चार्ज हो जाएगा, उसमें आपको कॉस्ट में ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप अपनी प्राइसिंग कर रहे होंगे। तो सबसे लास्ट में आप यहाँ देखिए सिग्नेचर, जब भी आपका इनवॉइस जनरेट होगा उस पर आपका ये सिग्नेचर जो होगा वो डिजिटली इसमें किया गया होगा, तो आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए एक पेज पे अपने साइन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जब आप ये अपना अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पे देखिए लॉन्च ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप लॉन्च ऑफ बिजनेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपका बिजनेस जो है अमेजोन पे वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंटिन्यू टू सेलर सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ही इन्फॉर्मेशन को लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे पता चलेगी जब आप अपना बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, तो इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते करते आपको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, आपको अपनी प्राइसिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, आपको अपने प्रोडक्ट्स का ऐड करना है। लेकिन ये वीडियो अभी जो मैं बना रहा हूँ वो अमेजोन सेलर रजिस्ट्रेशन के बारे में ही है, तो अभी हम सिर्फ सेलर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। आगे इन ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है और क्या क्या इनको कैसे कैसे यूज़ करना है अपना बिजनेस चलाने के लिए वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताता रहूँगा धीरे धीरे। तो दोस्तों बस सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो इस चैनल पे बने रहिएगा अगर आपको एक ई कॉमर्स में बिजनेस करना चाहते हैं तो। थैंक यू।